मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के बाद जारी मजीद 7 अफराद जान भाग। कोरोना के बाय संवाद की मजमू तादाद 28,823 हो गई। 24 घंटे के दौरान 288 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.62% रिकॉर्ड। एनसीओ आर्मी चीफ से अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज और इंटेलिजेंस कमेटी के वफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान भावी तावन पर भी बातचीत। अफगानिस्तान को इंसानी बुरान से बचाने के लिए आर्मी मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। जनरल समर जावेद बाजवा। सबसे मफामत करने के लिए तैयार है, लेकिन कभी जिन लोगों ने करप्शन किया यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, कभी इन लोगों से मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी ना इनसे कभी मुफामत करेगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ही नहीं सिर्फ दुनिया का महंगाई है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया तो पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। करप्शन करने वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। आवाम का पैसा चोरी करने वालों से मफाहमत नहीं होगी। जो कौम डाकुओं से डील करती है वो तबाह हो जाती है। आम के लिए सबसे बात करने को तैयार है। महंगाई पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का बड़ा मसला। कोरोना वजह करार पाकिस्तान आज भी सबसे सस्ता मुल्क है। वजीर आजम का मियांवाली में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी है। आपसे बात कौन करना चाहता है? आप पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। हुकूमत अपना एतमाद अवाम में भी खो चुकी है, ऑपोजिशन से भी खो चुकी है। आपसे कोई बात करने का ख्वाहिशमंद नहीं है। अब आपके लिए एक ही रास्ता है कि आप इस्तीफा दें और घर जाएं ताकि पाकिस्तान मजीद तबाह ना हो। खान साहब कोई एनआरओ मांग रहा है ना आपसे बात करना चाहता है। बार बार ऑपोजिशन को ना सुनाएं, आप पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। इस्तीफा दें और घर जाएं। ऐसे नेपाल का रद्द अमल। मियां वाली जड़ा वजीर आजम पाकिस्तान का घर है और ए मैडा भी घर है। मैं कोई था कि इंतहाई खुशी थी भी है। मियां वाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का किला है और इंशाअल्लाह एक किला बरकरार रासी जेरे असा अपने गोल मुकर्रर कीते सूबे की तरक्की वास्ते इंशाअल्लाह ई तरक्की का सफर जारी रासी। मियांवाली तहरीक इंसाफ का किला है और हमेशा रहेगा। तरक्की का रुख पसमानदा इलाकों की तरफ मोड़ दिया। सूबे की खुशहाली का सफर जारी रहेगा। अब पंजाब का कोई शहर तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुजार का मियांवाली में अवामी इज्तिमा से खिताब। सिंध असेंबली ने नया बलदियाती तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। 6 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में टाउन बनाने की तरमीमी चेक मंजूर। अपोजिशन अरकान का एहतजाज शोर शराबा। बिल ना मंजूर के नारे स्पीकर डाइस का घेरा। ये सूबाई असेंबली सिंध जो है ये क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? और इस पे कहते हैं कब्जा के सिंध के लोगों पे, क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद जाके कब्जा उधर जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। कब्जे कब्जे के नारे लगाने पर मुराद अली शाह का पारा हाई। क्या सिंध असेंबली में इस्लामाबाद से आकर लोगों ने कब्जा किया है? तुम इस्लामाबाद से आकर यहाँ कब्जा करना चाहते हो? ऐसे हालात मत पैदा करो कि हम कुछ और सोचें। वजीर आला सिंध की ललकार। बलदियाती बिल अवामी उमंगों का तर्जुमान करा। पार्टी का ये तारीख है कि उसने कभी लोकल बॉडीज के इंतखाब ही नहीं कराए। ये सारे जो लोकल बॉडीज के इदारे जो उन्होंने कौमिया लिए हैं, ये तमाम वो इदारे हैं कि जिसमें आवाम
के मसाइल आते हैं और ये आवाम से करप्शन करने के लिए ये हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हर अवामी बंदे का हकूक छीन के ये अपने वजीरों को देगा क्योंकि उनको मंथली तरमीमी बिल ताकत के जरिए पास करवाया गया। जमहूरियत के नाम नेहाद दावेदारों का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। अब आवाम के पास जाएंगे, हकूक के लिए सड़कों पर निकलना होगा। अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया चौक, अदालत से रिजू का भी अंदिया, धमकियां देने वाले सुनने उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। हलीम आदिल शेख डीलर का अली शाह साहब, इंशाल्लाह सिंध के आवाम आपको आपके टब्बर समेत, इस जरदारी के टब्बर समेत, इस बाजारी के टब्बर समेत उठा के बाहर फेंक देंगे। आप इस काबिल नहीं है कि आपको लीडर ऑफ द हाउस कहा जाए। इस अंदाज में जिस किस्म की बदतमीजी वो कर रहे थे, उन्होंने भाई आप कागज फाड़ते हैं, फेंकते हैं, आगे पीछे फेंक रहे होते हैं, अपनी तरफ फेंक रहे होते हैं, कोई मसला नहीं। इन्होंने ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, जो नॉर्मली रवायती तौर पर ऐसा होता नहीं है कभी, कि उन्होंने पूरे के पूरे कागज लाके इधर फेंके, हमने कुछ नहीं कहा, गालियां दी गई अंदर, बदतमीजी की गई अंदर। और इसी पर हमारे मेंबर ज्यादा, जो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि जज्बाती हुए, और आज जो तरमीम हुई वो तरमीम थी जो ये डिमांड बात करने का मौका न देने का इल्जाम। कलर्स असेंबली के अंदर बदतमीजी की गई, गालियां भी दी गई। अपोजिशन ने स्पीकर पर कागजात फेंके, अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा रहा। अब बेलावजह शोर मचाया जा रहा है। सईद गनी और नासिर शाह का जवाब, जो काम एनएफसी अवार्ड पीपल्स पार्टी चैंपियन करती है फेडरल गवर्नमेंट में, वही काम इसको सूबे में भी करना चाहिए। ये दो रुखी पॉलिसी के आप इस्लामाबाद के अंदर तो बड़े लिबरल हैं और कराची के अंदर आकर आप एंटी डेमोक्रेट हो जाते हैं, दही सिंध में जाकर आप फ्यूडल हो जाते हैं। ये जो तीन किस्म के चेहरे हैं, ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म ना पीपल्स पार्टी के हक में और जाहिर है कि सिंध और पाकिस्तान के हक में। पीपल्स पार्टी 18वें तरमीम के बाद शहरों को बाजार बनाने में नाकाम रही। चीफ मिनिस्टर हाउस में इख्तियारात लाकर सूबे को ना देना ज्यादती है। सूबे तरक्की भी नजर नहीं आती। 70% रसायल डिवीजन को मुंतकिल होने चाहिए। मुफ्ती इस्माइल का एमक्यूएम की एपीएस में इजहार ख्याल। कौमी असेंबली से मिनी बजट मंजूर होना, कौमी खुदकुशी के मुतरादिफ, मुतहदा अपोजिशन से मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। तब्दीली का सुनामी मईशत, रोजगार और आवाम की खुशियों को निकल गया। मौजूदा हुकूमत कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी, शहबाज शरीफ की तनकीद। पंजाब में हुक्मरान जमात मजबूत, बल्दियाती उम्मीदवारों की तलाश। वजीर आला उस्मान जरदार ने सूबाई सतह पर कमेटी कायम कर दी। हर जिला का मुतालका वजीर, MPA और MNA शामिल, तंजीमी ओहदेदार भी कमेटी का हिस्सा। पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, जूस अगर हर शहर महंगी है तो गरीब क्या करे, कहाँ से कमाए, क्या खाएगा। इतनी सैलरी नहीं है जितनी महंगाई है। महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी का बस रह गया, पिस के रह गया, कोई काम नहीं है। झूठे वादे कर रही है, जो घर के वादे किए थे वो भी पूरे ना कर सकी, महंगाई के वादे किए थे सगो महंगाई डबल कर दी। ये हुकूमत बिल्कुल फजूल है, कोई काम नहीं करती। दूध, दही, दालों और दूसरी बुनियादी अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफा। रोटी 12 और नान 18 रुपए का हो गया। लाहौर के शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं हुकूमती रहनुमा टीवी पर रिलीफ की बातें करते हैं। अमली इकदाम सिफर, हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा। सानिया स्टारकोट की तहकीकात में बड़ी पेशरफ, रोजाना की बुनियाद पर समाज जेल के अंदर कराने का फैसला। गिरफ्तार मुलजमान के जेल ट्रायल के अहकाम जारी। कोयटा में लड़कियों की नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का केस, एक और लड़की ने गिरफ्तार मुलजमान समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। नामजद तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सिंध बलोचिस्तान में गैर बरामदी सनतों को गैस सप्लाई आज से बंद। गैस लोड मैनेजमेंट के तरजीह ऑर्डर के तहत फैसला किया गया। घरेलू सार्फिन को गैस मुहैया करना तरजीह है, स्वीस वर्जन गैस का ऐलान। खुशियों वाले घर में सफे मातम बिछ गई। मियां चन्नू में बारातियों की कार तेज रफ्तारी के बाइस उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल।
अमेरिका में बगोले ने तबाही मचा दी। मेफील में फैक्ट्री की छत गिर गई। अमेजोन का वेयर हाउस भी मलबे का ढेर। मजबूरी तौर पर 50 सप्ताह चला। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के कराची में डेरे। दोनों टीम्स के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज पहले T20 में 13 सितंबर को मध्य मुकाबले होंगे। Yeah, I mean, it was on the cards. Faster ball. Who calls for it? It's Rizwan who takes the catch. Oh, yes, the zinger's lit up again and he's off. और PSL 7 की ड्राफ्टिंग से पहले हलचल। कई बड़े नाम टीमों में जगह बरकरार रखने में नाकाम। कामरान अकमल, फखर जमान, पेंटिंग, डेविड मिलर, इनामुल हक, मोहम्मद इरफान का दोबारा इंतखाब।